हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर वर्ल्ड। बेटा आज हम आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बताएंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है, कितने स्टेप होते हैं कोई भी लेटर लिखने के लिए। तो आज हम आपको कंप्लेंट लेटर के बारे में बता रहे हैं। जैसे लास्ट मंथ यू परचेज्ड ए टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे रोड रेवाड़ी। पिछले महीने आपने एक टीवी सेट खरीदा, परचेज किया कहाँ से? राम इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे रोड रेवाड़ी से। इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। आपको एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर मैनेजर के नाम। किसके लिए? कि या तो इसे रिपेयर कीजिए या फिर इसको रिप्लेस चेंज कीजिए। यू आर अमर अमृता M120 मॉडल टाउन रेवाड़ी, ये भेजने वाले का एड्रेस है। आपके पास ये चीज़ें आई, टीवी सेट आया, फिर आप कंप्लेंट भेज रहे हैं, तो भेजने वाले कौन है? यू आर अमर या अमृता M120 मॉडल टाउन रेवाड़ी। अब बेटे इसके देखिए 8 स्टेप होते हैं। कोई भी फॉर्मल लेटर जब लिखा जाता है उसके जो स्टेप होते हैं वो 8 होते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद क्या करना है? हमने फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस कौन सा है? ये जो यू आर अमर और अमृता, तो आप ये ध्यान रखना यहां पर सेंडर्स एड्रेस लिखना है, नोट द सेंडर्स नेम। नेम नहीं लिखना, एड्रेस क्या हो गया? M120 मॉडल टाउन रेवाड़ी। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है सेंडर्स एड्रेस। अब देखिए इसके बाद हमारा आएगा एक लाइन का स्पेस गैप मींस, उसके बाद हमने लिखना है डेट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं DATE, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल नहीं रॉन्ग। हमने केवल डेट मेंशन करनी है, वो दो तरीके से होती है। सबसे पहले जैसे कि हम लिखते हैं September 2, 2020, एक ये मेथड बिल्कुल सही है। दूसरा कौन सा है? September, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं लिखने का तरीका। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे सबसे रॉन्ग मेथड होता है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। यदि आपने ये लिखा या इसके साथ आपने लिखा DATE तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। आपको केवल डेट ऐसे मेंशन करनी है, सबसे पहले सेंटर से एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप, फिर डेट, फिर एक लाइन का गैप। ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड नंबर पे आ जाइए, अब आएगा रिसीवर से एड्रेस। तो रिसीव करने वाला कौन है? हम कंप्लेन लिख रहे हैं, किसके नाम? टू द मैनेजर। तो ये ध्यान रखना, हम कोई भी लेटर लिखते हैं चाहे वो एडिटर को लिखते हैं, चाहे मैनेजर को लिख रहे हैं, या प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी को भी जो भी लिख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि द जरूर लगाए उसके साथ, द प्रिंसिपल, द मैनेजर, द एडिटर, इस द मैनेजर। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलता है कि आपको लेटर किसे लिखना है। अब देखिए एक चीज का हमें यहां ध्यान रखना है कि टी और एम यहां कैपिटल करना है, मींस फर्स्ट दा तो सभी के साथ लगेगा, इसको लगाना ना भूले। इसमें केवल मैनेजर हम नहीं लिखेंगे, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड जो भी हम यहां लिखेंगे, जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड उनका कैपिटल ही होगा। मैनेजर किस चीज के मैनेजर है, तो यहां दे रखा है,
कहाँ से खरीदा है? राम इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे रोड, देवारी। तो हमने लेटर लिखा है मैनेजर के नाम, कंप्लेन लेटर। वो कहाँ के हैं? राम इलेक्ट्रॉनिक्स। प्लेस लिखेंगे मॉडल टाउन रेवाड़ी। एक बेटा मुझे यहां भी बताना था, जब सेंडर से एड्रेस नहीं दिया हुआ होता है तो हम क्या लिखेंगे? लिखना जरूर है हमें भेजने वाले का एड्रेस, अगर यहां पर बाय चांस नहीं देते, क्योंकि काफी बार नहीं भी दिया हुआ रहता, तो हम क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल, ABC। ऐसा नहीं कि तुम बिना लिखे चले जाओगे फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए सेंडर से एड्रेस दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं तो फिर हमने ये लिखना है। लिखना इधर ही है, ये मैंने थोड़ा इधर इसलिए वैसे ही बता दिया था, ठीक है। ये हमारा है रिसीवर से एड्रेस, रिसीव करने वाला है। हमने लेटर लिखना यहां से लिखा, भेजने वाले का एड्रेस लिखा, किसके पास जाएगा, रिसीव कौन करेगा? मैनेजर। कहाँ का? राम इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडल टाउन। ऐसे करके भी रेवाड़ी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडल टाउन रेवाड़ी, कैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब देखो बेटा, इससे ऊपर भी एक लाइन का गैप और नीचे भी एक लाइन का गैप, सेंडर से एड्रेस के बाद वन लाइन का गैप हो गया, फिर उसके बाद डेट के बाद वन लाइन का गैप हो गया, फिर रिसीवर से एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप, फिर सब्जेक्ट, इसके नीचे भी हम गैप डालेंगे। अब सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि हमने कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना है, एक टाइटल जो होता है हमने एक टाइटल की तरह लिखना है, इतने कम शब्दों में लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें क्या है, कंप्लेंट करनी है हमने किसके लिए? टीवी सेट के लिए। तो हम लिख, और एक चीज और है, फर्स्ट वर्ड तो जरूर कैपिटल होना ही होना चाहिए, और आपकी मर्जी है यदि आप हर एक वर्ड को भी कैपिटल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट वर्ड जरूर कैपिटल हो, कोई कंप्लीट सेंटेंस ना हो, एक टाइटल की तरह हमने लिखना है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया फोर्थ स्टेप। अब इसके नीचे भी हम गैप करेंगे। अब हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप। इसका ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, ये स्लैश लगा देते, गलत है, इसका मतलब तो और होता है। आपने रेस्पेक्टेड या सर थोड़ी लिखना है, आपने लिखना है रेस्पेक्टेड सर, जैसे मैंने लिखा है ऐसे, और इसके ऊपर भी गैप होना चाहिए और नीचे भी गैप होना चाहिए। बेटा देखिए, अब आपके फाइव स्टेप्स हो चुके हैं, अब हमारा सिक्स स्टेप आता है बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें बेटा हमने जो अंदर लिखना है वही हमारा बॉडी ऑफ द लेटर होता है, ये सिक्स स्टेप है। अब मैं आपको जो चीज बताना जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना, अभी हम टीवी सेट के बारे में लिख रहे हैं, कल को आपका मोबाइल फोन पे आ जाए, वॉशिंग मशीन पे आ जाए, या कोई भी सामान आपने खरीदा और जिसमें कोई डिफेक्ट है उसको हमने चेंज करना है या ठीक कराना है, तो उनमें क्या करना है, पहले आप इसे पढ़िए फिर हम आपको बताते हैं। I wish to bring to your notice that the TV set which I purchased from you last month is not working properly. कि जो हमने पिछले महीने आपसे परचेज किया था टीवी सेट, वो काम ढंग से नहीं कर रहा है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ तो हमने टीवी सेट के बारे में लिखा है, मान लो वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फोन है, तो हमने कहाँ चेंज करना है? केवल हमारा चेंज दो जगह है, बल्कि तीन जगह। सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट में लिखा था, आप देखो सब्जेक्ट में हमने लिखा था कंप्लेंट अगेंस्ट टीवी सेट, तो वहां हमने क्या कर देना है,
कंप्लेंट अगेंस्ट वॉशिंग मशीन, कंप्लेंट अगेंस्ट मोबाइल फोन, कंप्लेंट अगेंस्ट माइक्रोफोन, जो भी है आपने जो भी चीज खरीदी है वो डिफेक्टिव है, सबसे पहला चेंज हमारा सब्जेक्ट के उस जगह आएगा, दूसरा चेंज हमारा यहां आएगा, कोई भी कंप्लेंट हम कर रहे हैं कि हमारे ये डिफेक्टिव पीस आ गया है, तो सेकंड चेंज यहां जाएगा, फर्स्ट चेंज था हमारा सब्जेक्ट की जगह, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब यहां तक ये सारी चीज इस लाइन तक सब कुछ सेम आएगा, बस हमने आइटम का नाम चेंज कर देना है। उसके बाद देखिए कुछ चेंज यहां आएगा, जैसे कि हमने टीवी के बारे में लिख दिया कि डिफेक्ट क्या है, कुछ तो आपके क्वेश्चन में आती है दो तीन लाइनें उसके डिफेक्ट्स, नहीं आते हैं वैसे तो आते हैं एक दो वो ऐड कीजिए, एक दो अपनी तरफ से लिखिए, तीन चार ऐसे हमारे हो जाएंगे। इसमें जैसे टीवी सेट में क्या डिफेक्ट बता रखा है, द पिक्चर फ्लिकर्स एंड समटाइम्स द स्क्रीन गोज टोटली ब्लैंक, पिक्चर फ्लिकरिंग कर रही है, जैसे कि लाइट जब डिम हो जाती है कोई लाइट हमारी खराब हो जाती है, ऐसे ऐसे करती है, कभी ऑन है कभी ऑफ हो रही है अपने आप से, तो पिक्चर टीवी की ऐसे आ रही है, फ्लिकरिंग कर रही है। एंड समटाइम्स द स्क्रीन गोज टोटली ब्लैंक, और कई बार जो स्क्रीन है उसकी वो पूरी खाली हो जाती है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ दिखाई नहीं देता। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड द साउंड इज अगेन कम, कुछ सेकेंड बाद आवाज आ जाती है बट द पिक्चर डज नॉट कम, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं आती है। वी हैव टू स्विच ऑफ एंड रिस्टार्ट टू गेट द पिक्चर, हमें फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है टीवी उस पिक्चर को दोबारा से लाने के लिए। अब देखिए यहां पर हमने तुम्हें क्या बताया कि कोई भी ऐसी तरह का कंप्लेंट लेटर आए जिसमें डिफेक्ट हो किसी आइटम में, तो हमने क्या करना है, हमने करना है सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज, कंप्लेंट अगेंस्ट हमने टीवी सेट लिखा, वहां तुम मोबाइल फोन लिख सकते हो, जो भी आइटम वहां पर होगा। दूसरा इस जगह हमने सेकंड चेंज करना है, तीसरा हमने चेंज कहां करना है, ये जो डिफेक्ट यहां दिए हुए हैं। अगर वॉशिंग मशीन है तो मान लो उसका स्पिनर खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा, या और दूसरी चीज खराब हो गई, जो भी आपकी दिक्कत है, या वो चल नहीं रही तो दो मिनट के लिए चलती है फिर बंद हो जाती है, वो आपने यहां पर उसके डिफेक्ट लिखने हैं, वो चेंज करना है, वो आइटम के हिसाब से उसका डिफेक्ट देखा जाएगा। मोबाइल फोन में क्या डिफेक्ट होता है, आपके रेफ्रिजरेटर है फ्रिज है उसमें क्या, यहां पर अगर रेफ्रिजरेटर का आता है तो आप टीवी सेट की जगह रेफ्रिजरेटर लिखेंगे, सब्जेक्ट में भी वहां कंप्लेंट अगेंस्ट रेफ्रिजरेटर ऐसे लिखेंगे, और यहां पर भी क्या लिखोगे, रेफ्रिजरेटर के ही डिफेक्ट हमने लिखने हैं। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है चेंज करने के लिए। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, उसके बाद हम एक लाइन का गैप डालेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, हमने जब भी पैराग्राफ फिनिश करना है उसके बाद एक लाइन का गैप होगा, अगली लाइन से हमने यहां से स्टार्ट करा है, ना कि हमने बीच से स्टार्ट करना है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये हरेक इस तरह के लेटर्स में जो हम कंप्लेन लिख रहे हैं डिफेक्टिव पीस की, उसके लिए हरेक में ये आप जरूर लिखोगे, चाइल्ड लाइनों को आप याद कर सकते हो। काइंडली रिप्लेस दिस डिफेक्टिव पीस बिकॉज इट इज वेल विद इन द गारंटी पीरियड, आई एम अटैचिंग माने मैं जोड़ रहा हूं एड कर रहा हूं, हेयर विद द फोटोकॉपी ऑफ द बिल, ये नहीं लिखा तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए, क्योंकि फोटोकॉपी तो हमें जरूर एड करनी पड़ेगी बिल की। और इसके बाद हमने थर्ड पैराग्राफ का एक लाइन, ये सभी में लिख सकते हो ये दोनों चीजें, ये सेकंड बना दो, ये एक अलग से एक लाइन का गैप देके, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, ठीक है ये आपका हो गया। हमने आपको बता दिया किसी भी तरह का हो आपने कुछ चीजें चेंज करनी, इसको आप याद कर सकते हैं, ऊपर वाली लाइन कर सकते हैं याद, वो बस उसको चेंज करना है, टीवी सेट की जगह आइटम चेंज कर देना है। ये बेटा हमारा सिक्स पार्ट हो गया, मीन्स स्टेप हो गया बॉडी ऑफ द लेटर, ये ध्यान रखना है पैराग्राफ के बाद वन लाइन का गैप होना चाहिए और यहां से ही हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा सेवंथ स्टेप, इसके बाद पैराग्राफ हमारा फिनिश हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर यहां हमारा फिनिश हो गया, उसके बाद हमने सेवंथ स्टेप पे आएंगे, उससे ऊपर थैंकिंग यू से ऊपर और नीचे एक एक लाइन का गैप आएगा, ये दो लाइन में लगाती हूँ इसका मतलब यहां पर गैप है। थैंकिंग यू आपको अब स्पेशल ध्यान रखना, टी और वाई कैपिटल होना चाहिए, थैंक यू नहीं लिखना हमने, थैंकिंग यू ही लिखना है,
अगर थैंक यू लिख दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। थैंकिंग यू, टी और वाई कैपिटल, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया सेवंथ स्टेप, जिसे हम क्या बोलते हैं बताइए, सब्सक्रिप्शन इसे हम बोलेंगे, सेवंथ स्टेप जो हमारा है। उसके बाद नेम का हमारा आठवां स्टेप हो जाता है, योर्स ट्रूली फेथफुली या सिंसियरली। ये मैंने स्लैश लगा रखे हैं, इसका मतलब या तो आप ट्रूली लिखेंगे या फेथफुली लिखेंगे या सिंसियरली लिखेंगे। इसमें आपको एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, वो क्या है, क्या करते हैं बच्चे, ऐसे कर देते हैं योर्स, इसका मतलब क्या है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो लगाना ही नहीं है हमने अपोस्ट्रोफी। हमने क्या करना है, बेटा हमने केवल सिंपल जो लिखते योवर्स, वाई कैपिटल होना चाहिए, चाहे आप ट्रूली लिख रहे हैं, चाहे आप सिंसियरली लिख रहे हैं या फेथफुली लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर होना चाहिए। योवर्स का वाई कैपिटल, यहां का स्मॉल लेटर, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कोई अपोस्ट्रोफी यहां पर नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। योर्स ट्रूली, इन तीनों में से आप कोई भी एक इजी जो लगे वो लर्न कर लेना। उसके बाद आपने अपने लेटर में पढ़ा था लास्ट में अमर या अमृता ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो आप कोई भी नेम इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि वहां सबसे पहले हमने सेंडर से एड्रेस लिखा था, ओनली एड्रेस, नोट द नेम। यहाँ हमने नेम मेंशन करना है, अमर और नीचे उसके साइन। ये हमारा हो गया पूरा एट स्टेप। और बेटा आप ध्यान रखना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सेंडर से एड्रेस, डेट और ये रिसीवर से एड्रेस, इनमें कहीं कोई ना कोमा लगेगा ना फुल स्टॉप लगेगा, अगर लगा दे तो उसके मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और आपके ये जो की पॉइंट्स हैं, इसके जो स्टेप्स हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो बेटा, जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर से एड्रेस, थर्ड स्टेप, इनमें कहीं कोई लास्ट में ना कोमा लगेगा ना फुल स्टॉप लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना स्पेशल, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फोर्थ पे फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सैल्यूटेशन फिफ्थ पे, बॉडी ऑफ द लेटर सिक्स नंबर पे है, फिर सब्सक्रिप्शन हमारी थैंकिंग यू वगैरह जो लिखते हैं, फिर आगे लास्ट नेम सिग्नेचर वगैरह, ये सारा एट स्टेप। तो बेटा ये आपका ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप अपने लर्न कर सकते हैं। इसका जो टाइप है, इसके जो स्टेप्स हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के, वो हर एक में इसी तरह से आएगा, बीच का हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।